चलो मामा जी के पास दो। खारिश हो रही है बहुत ज्यादा। किस टेपना है बेटी? पाओ टेपना। तो सारा सामान हो गया है पैक। क्या कर रही है? गीशी को देखिए, गीशी भटूरा लाई अंदर से उठा के, फिर भाग गई बाहर को। दो 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 दो। आज संडे, सचित को भी आज छुट्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं, सारा काम करके हम लोग फ्री हो गए हैं। तो अभी खाना खाएंगे, फिर निकलेंगे हम आज खेत को। खेत में काटेंगे गोइलजी झाड़ियाँ, जो बेस्ट घास है वो। मैं और मम्मी जी निकालेंगे राजमा। सचित ने भी आज काम किया है, आज इसने घास का बोझ हिलाया। ये रही वो रोटी जो गीशी लेके भाग गई थी। और डैडी होंगे घर पे, गीशी आएगी हमारे साथ। गीशी को रखेंगे हम लोग नानी के घर में, डैडी होंगे बिजी आज क्योंकि नेपाली लोग आए हैं टैंक का काम करने वाले। चलिए फटाफट से खा लेते हैं खाना। गोयल जी ने चाय भी बनाई है, चाय भी हम लोग साथ में ही ले जाएंगे। गीशी खा रही है सिर्फ सब्जी, भटूरा भी दे देंगे इसको। तो मम्मी जी भी खा रहे हैं खाना, और साथ ही साथ इसमें कर दिया है हम लोगों ने चाय पैक, बिस्किट। और ये हो रही है कड़ी गरम, ये बनाई थी कल रात को। चार भटूरे खाएंगे एक साथ में जी। ऐसा कुछ नहीं है, गरम कर रहे थे इनको ओवन में एक साथ। तो गाइस टैंक बनाने वाले नेपाली लोग भी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये लोग दो दो बोरियां डालते हैं एक साथ। तो पहले मम्मी जी और गीशी खाना खा रहे थे, अब डैडी भी आ गए हैं, अब हम सभी लोग खाना खाएंगे। देखिए गाइस सचित आ गया दूसरा बोझा लेके। इसने बताया कि मैंने वो जलाया था। वाह कितने पुलटे है इसमें, तीन दो बड़े बड़े दो, पहले लाया था सचित तीन। वाह गाइस देखिए, मुझे भी बोल रहा था चाची जी मैं छुट्टी में मदद करूंगा सबकी। चलो मामा जी के पास दो। दादाजी को बोलो मैं चली। एक और जूता लाया है वो नहीं पता। नहीं पाई थी तीने, नहीं पाई। डैडी खोल रहे हैं फट्टे नेपालियों को देने के लिए, शटरिंग के काम के लिए। वेरी गुड। कोयल जी बैठे हैं रेडी सारे सामान लेकर। बड़ी खुश होती है ये दोनों, ऐसे एरिया से ज्यादा खुश हुआ। आओ दीदी क्यूटी। दो चोटियां बनाई है सना के, बहुत सुंदर लग रही है सना। आज सुबह सना दो चोटी में ही नजर आएगी सना। अब इधर इधर बड़ी मम्मा सना, बहुत सुंदर लग रही है। हाय सचित, थक गया सचित। हाँ जी आ जाओ मम्मा। मम्मी जी निकल गए हैं थोड़ी देर पहले पैदल यहाँ से, और हम लोग जा रहे हैं अब स्कूटी में सामान लेकर। भाई बोलो भैया को मैं चली। तो ऊपर से रोड से ढो रहे हैं रेत, ये लोग भरते हुए दिख रहे हैं यहाँ से ऊपर। पीपी किसी चला रही है अब स्कूटी, किसी के पापा जी गए फुहारा देखने। यहाँ कच्चे रोड के ऊपर ली साइड बॉगी में है हमारा खेत, वहाँ पे फिर जाएंगे हम लोग नीचे को। नीचे को मत आइए। क्या बोल रहे हो? लुको पापा, लुको गदाई, गदी बैठो, बैठो। आ गए गोयल जी। पीप पीप करना है इसने भाई, ये हॉर्न बजा रही थी आपके लिए कब से। चलो चलो अब तो गीशी जा रही है अब नानी के घर को ऊपर को। तो गाइज यहाँ पे मैंने स्कूटी लगा दी, ये रहा मक्की का खेत, मक्के लगे हैं अच्छे से इसमें। बहुत सारी हरी मक्की भी है जिसे कि हम लोग कुकड़ू भून सकते हैं, भून के खा सकते हैं। पिछले कल भी गोयल जी लाए थे तभी उन्होंने बोला कि राजमा है नीचे तैयार हुई, तो अपना थैला मैंने यहाँ पे रख दिया है। खुद जाऊंगी मैं ऊपरली साइड क्योंकि मम्मी जी नहीं है यहाँ पे, ऊपरली साइड भी है छोटू सा खेत, तो शायद वहाँ पे निकाल रहे हैं मम्मी जी। तो यहाँ पे मम्मी जी ने कर दिया है, तो अब हम लोग चलेंगे निचली साइड ही ये वाला वो जलेकर। 12:57 हो गए, तो ये ढेर लगा दी हम लोगों ने, और एक ये ढेर, और फिर उसके बाद पीछे छोटी सी ढेर, उसके पीछे ढेर, यहाँ पे ढेर। तो थोड़े से अभी रह गए हैं यहाँ पे नीचे नीचे को, उसके बाद जाके जाएंगे हम लोग बाकी भाई क्या नौ तोड़ा।
ऊपर वाले नौतोड़ा, बांकी भाई को हम लोग निचला नौतोड़ बोलते हैं। तो अब हम लोग फिर से उठ रहे हैं काम करने, खारिश हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को आदत नहीं है काम करने की, बहुत ज्यादा काम करते हैं हम लोग। ऐसे निकाल रहे हैं मक्की के बीच में, ये लगा दी है मम्मी जी ने यहाँ पे ढेर। तो इतनी ढेर हो गई राजमा की, अब भर लेते हैं इसे, इतनी सी ढेर है उधर। सच में मंडाई करने के बाद रहेंगे बस थोड़े सी ये। किस टेपना है बेटी पाओ टेपना दाड़ उड़े बूटे ने फैसला। ये बन गया एक बोझा, थोड़ी सी है उधर, बुलाएंगे मम्मी जी नौ तोड़ तक, नौ तोड़ वाली निकालेंगे हम, उसके बाद इसको छोड़ूंगी मैं पहले नानी के घर तक। तो गाइस बोझा मैंने यहाँ पे रख दिया, पानी भी ले आती हूँ मैं उधर से चश्मे का, बोतल में है थोड़ा सा पानी लेकिन वहाँ से लाती, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी। भी हम लोगों का हो गया है टी टाइम, यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, और ये लाया था मैंने ठंडा ठंडा पानी, और अनार भी लाए हैं गोयल जी घर से, और गोयल जी ने सारी वो झाड़ियाँ काट ली नीचे वाली, सिर्फ ही होके आ गई यहाँ पे। तो अब हम लोग अपने नौतोड़ा वाली जगह पर पहुँच चुके हैं, बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, छोटे छोटे खेत हैं यहाँ पे, और मक्की भी छोटी छोटी है, ऊपर वाली मक्की वाली घास बहुत अच्छी थी। गोयल जी काट रहे हैं यहाँ पे भी झाड़ियाँ दराट से, और हम लोगों ने कर ली है लगभग सारी इकट्ठा, थोड़ी सी रह गई है मम्मी जी के पास उधर। तो नीचे नीचे वाली जो डेक है हमारा, और मैं आई थी ये वाली घास खोलने, ये वाली घास खाती है गाय, तो नीचे नीचे डालेंगे हम लोग इसे। काटी हुई घास के बीच, काटी हुई झाड़ियों के बीच में ये वाली घास थी जो कि मैं काट के लाई, इसे भी डालेंगे हम लोग घर के लिए गाय को, बोझे में नीचे नीचे डालेंगे इसे। तो 4-15 हो गए हैं, अब हम लोग बोझा भरेंगे फिर निकलेंगे हम लोग घर को, किसी को भी ले जाएंगे साथ में। तो ये बन रहा है बोझा, तो सारा सामान हो गया है पैक, थोड़ी सी राजमा रह गए थे साइड में, तो गोयल जी ने बोला इसी में डाल दो इसे, कुछ एक सामान उधर भी है जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी थी उसको भी डाल देंगे हम लोग। नेट लगाया हुआ है चाचा जी वगैरह ने, यहाँ से है परसिमन के पेड़, जापानी के पेड़ हैं। अच्छा गोयल जी बता रहे हैं कि जिन्होंने ये खरीदी है उन्होंने डाला होगा, ये सीधा ही डाल के रखा है, नेट बांधा बूंदा नहीं है ताकि ऊपर से एकदम से ना बैठे पक्षी। ये हो गया दूसरा बोझा हमारा राजमा का, एक वाला मैं पहले ले गई हूँ। एक पजाना टाइम क्या हुआ? तो गाइस कच्चे रोड में हमारा बोझा निकल गया था, बोझा मैंने बना लिया, यहाँ से कुछ एक दाने गिरे हैं इनको उठा लेती हूँ। 5:03 हो गए, तो अभी हम लोग घर में पहुँच गए, यहाँ पे ये लगे हैं अभी भी फट्टे का जुगाड़ करने। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं नीचे टैंक के पास जहाँ पे टैंक बन रहा है, आपको भी दिखा देते हैं क्या किया है आज इन लोगों ने। क्या कर रहे हैं अभी? लकड़ी काट रहे हैं। बड़ा स्यापा पड़ गया नहीं? तो गाइज आप देख सकते हैं दूसरी शिफ्ट में यहाँ पे भी लगा है एक फट्टा, यहाँ पे भी लगा है एक फट्टा, एक फुट का लगना था यहाँ पे, एक एक फुट वाले भी नहीं लाए हैं प्लेट वाले, प्लेट तो 3-3 फुट की लाई है, 4 फुट की लाए होते तो ये हो जाता 2 शिफ्ट में। तो फिर डैडी ने इनको ये वाला जुगाड़ दे दिया। तो गाइस शाम के 6 बजने वाले हैं, गोयल जी गए हैं थोड़ी देर पहले मम्मी जी और गिशी को लाने, मैं कर रही हूँ अभी स्क्रब, उसके बाद मैं गाय का दूध निकालूंगी। ये रही बाल्टी मेरी, तो इसमें मैंने दूध निकाल दिया, अब पी रही है बछड़ी दूध, और
गिशिका भी आ गई है। हेलो गिशिका, हेलो, वाह, हेलो। मेरी बॉल दे दो 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 दे दो। 6:16 हो गए तो नेपाली लोग अभी भी काम कर रहे हैं। गोयल जी ने मम्मी जी और किसी को छोड़ने के बाद वो बोझा भी लाया राजमा वाला, तो अब गोयल जी भी जा रहे हैं नीचे, डैडी भी है नीचे, बाहर अंधेरा हो गया पूरी तरह से। और नेपाली लोग अभी भी काम कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल और चावल। इसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर भी काट के रखे हैं और प्याज भी काट के रखा है। तो गाइस दाल लगभग बन गई है, चावल भी लगभग तैयार होने वाले हैं। 7:16 हो गए तो सचित ठाकुर भी आ गया काम करके, मम्मी जी भी पहुंच गए और डैडी वगैरह भी पहुंच गए। थक गए ये लोग तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे ये लोग। तो गाइस अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने से पहले कर लेते हैं ब्लॉग का भी एंड। तो करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। गिशी बाय बाय, बाय बाय।